ओके, कैविटी ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड एज लैटरल वेंट्रिकल और पैरासिल, कैविटी ऑफ डायनसिपुलन इज कॉल्ड एज थर्ड वेंट्रिकल डायासिल और डायोसिल, एंड कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन दैट इज पॉन्स मिडुला एंड सेरेबेलम दैट इज कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन इज कॉल्ड एज फोर्थ वेंट्रिकल इपिसिल और मेटासिल। लोअर हाफ ऑफ पोस्टेरियर सरफेस ऑफ पॉन्स, अपर हाफ ऑफ पोस्टेरियर सरफेस ऑफ मिड्यूला एंड एंटेरियर सरफेस ऑफ सेरेबेलम, ये तीनों ने मिलके फोर्थ वेंट्रिकल बनाया। ये आपका पॉन्स, ये आपका मिड्यूला। ये पॉन्स का पोस्टेरियर सरफेस पूरा नहीं है, सिर्फ लोअर हाफ, यानी लोअर हाफ ऑफ पोस्टेरियर सरफेस ऑफ पॉन्स, अपर हाफ ऑफ पोस्टेरियर सरफेस ऑफ मिड्यूला एंड एंटेरियर सरफेस ऑफ सेरेबेलम, ये तीनों ने मिलके आपका फोर्थ वेंट्रिकल बनाया। और ये तीनों भी हाइंड ब्रेन में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको एक समझ में आया कि भाई वेंट्रिकल के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क रखा भगवान ने, उसको कोरोइड फ्लेक्सस बोलते हैं। वो कोरोइड फ्लेक्सस कैपिलरीज के नेटवर्क में से CSF टपकता है। सिंपल बात है कि एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के जैसा ही स्ट्रक्चर है वो, जैसा पैरोटिड ग्लैंड को ब्लड मिला तो उसमें से सलाइवा बनता है, लैक्रिमल ग्लैंड को ब्लड मिला तो उससे टीयर बनता है, वैसा कोरोइड फ्लेक्सस से ब्लड बनता है, बहता है तो उससे CSF टपकता है और वो CSF कंटिन्यू आगे आगे फ्लो होता है। अब तुम्हारा हार्ट शुरू है तो ब्लड सप्लाई शुरू है, ब्लड सप्लाई शुरू है तो कोरोइड फ्लेक्सस में ब्लड आ रहा, और ब्लड आ रहा तो वहाँ से CSF चालू है, तो वो CSF का फ्लो भी इम्पॉर्टेंट है, उसका फ्लो भी कंटिन्यू होने को होना। अगर कहीं पे भी वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने उस दिन आपको बताया था पहले दिन में लेक्चर में कि ब्रेन एक कलेक्टर के जैसा स्कल के अंदर बेंगलोज में बिठाया है। एब्डोमेन मैंने स्लम एरिया के जैसा बोला था कि हर एक को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ब्रेन में एक MM की भी ट्यूमर या कोई भी कैंसर की गठान चलती नहीं, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स इतने सेंसिटिव रहते, उन पे एक MM का भी ट्यूमर होता है तो वो प्रेस होता है तो उसके फ्लूड में से जो इम्पल्स पास होते वो बहना बंद हो जाते। आगे के टॉपिक को, इम्पल्स नहीं मिला तो पैरालिसिस में पेशेंट कन्वर्ट होता है, मतलब ब्रेन बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। लेकिन डायग्राम में आपको लैटरल से थर्ड में CSF आया दिख रहा, थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में CSF आया वो भी दिख रहा, CSF 24 आवर्स में कितना सिक्रीशन होता वो बताया, प्रेजेंट क्वांटिटी में CSF कितना रहता, CSF एकदम पतला फ्लूड रहता, सलाइवा से भी पतला। और CSF का प्रेशर अगर आप गिनोगे, जैसा आपका ब्लड प्रेशर गिनते हो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर स्पिग्मोमैनोमीटर से, BP अपरेटस से, तो वो 120/80 mm ऑफ HG भरता है, मतलब वो गिनने का यूनिट आपका मर्क्यूरी है, mm ऑफ HG, मतलब तुम्हारा ब्लड इतना गाढ़ा है कि वो ब्लड का प्रेशर तुम्हारे मर्क्यूरी को भी ऊपर कॉलम में ऊपर लेके जा सकता। जब आप पंप करते हो कफ को, जब एयर उसमें भरते हो तो वो मर्क्यूरी का बल्ब भी ऊपर ऊपर चढ़ता है, मर्क्यूरी भी ठीक होता है क्योंकि ब्लड उस ब्लड इतना ठीक होता है कि मर्क्यूरी को भी ऊपर लेके जा सकता है। तुम्हारे ब्रेन में जो CSF होता है वो एकदम पतला होता है, इसलिए CSF का प्रेशर अगर गिनोगे तो 60 mm ऑफ वाटर इतना रहता है। 60 mm ऑफ वाटर मतलब जहाँ पे मर्क्यूरी पे ब्लड प्रेशर गिनते हैं वो मर्क्यूरी के बल्ब के जगहों पे आपको वाटर रखना पड़ेगा, क्योंकि CSF भी बहुत मर्क्यूरी पे CSF का प्रेशर गिनते ही नहीं आएगा। इसलिए व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF, दैट इज 60 mm ऑफ वाटर। ओके, CSF न्यूट्रिशन दे सकता है, मतलब उसमें क्लोराइड की सेल्स होती है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन्स होते हैं, जिस वजह से ब्रेन को नरिश होता है। ब्रेन के सब टॉक्सिन्स एक्सीशन करने के लिए CSF होता है। अब पहला ही टॉपिक मैंने बताया, ब्रेन का प्रोटेक्शन CSF करता है, तो प्रोटेक्शन वाली चीज़ बाहर रहती है, तो बाहर के लिए आपको अभी ब्रेन को बाहर से देखना पड़ेगा। ये मैंने अंदर से वेंट्रिकुलर सिस्टम आपको बताई, जो डॉट डॉट किया हुआ हर एक में जो पार्ट है वो ब्रेन का मास है,
ये जो मैंने जितना भी आपको बताया ये पूरा ब्रेन का मास है, मतलब इसमें न्यूरॉन है। आपका टॉपिक अभी ब्रेन के अंदर की पुकलिया, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन आपका टॉपिक है। तो 11-12 से पास हुए बच्चों को हर एक को ये पता है कि ब्रेन को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजिस, और मेनिंजिस में पहली लेयर होती है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर का मतलब उसको और में नाम है पैची मेनिंजिस। पैची मतलब हार्ड और मेनिंजिस मतलब मदर, मतलब मदर के जैसा ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। ये अपन ब्लैक कलर से निकाले तो अभी हम आपको ये ड्यूरा मैटर बताते जिसमें सेरेब्रम को जो ड्यूरा मैटर कवर करता है उसको सेरेब्रल ड्यूरा मैटर बोलते हैं। ये ब्रेन को जो ड्यूरा मैटर कवर करता है इसमें भी दो लेयर होती है, जिसने कंटेंट ऑफ क्रेनियल कैविटी पढ़ी उनको मालूम है, आउटर एंडोस्टियल लेयर एंड इनर मेनिंजियल लेयर। ओके, अभी उसका काम नहीं, सिर्फ आप ये ड्यूरा मैटर ध्यान में रखो। ओके, ड्यूरा मैटर के अंदर जाएंगे आप तो कैपिलरीज का नेटवर्क, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स के नेटवर्क से बना हुआ स्पाइडर के वेब के जैसा एरोक्नाइड मैटर होता है। ये एरोक्नाइड मैटर में कैपिलरीज और वेन्यूल्स का नेटवर्क होता है। दैट इज दो नंबर का टॉपिक है, स्पाइडर वेब, जिसका लैटिन में एरोक्नाइड वर्ड दिया है ये एरोक्नाइड मैटर। ऐसा सोचो कि अगर इतना एरोक्नाइड मैटर अगर हमने काटा और इतना एरोक्नाइड मैटर यहाँ पे हमने बड़ा करके बताया, तो ये एरोक्नाइड मैटर के अंदर आपको इस तरीके से कैपिलरीज और उसके साथ वेन्यूल्स का नेटवर्क मिलेगा। ये वेन्यूल्स के अंदर आपका इम्प्योर ब्लड रहता है। ये इम्प्योर ब्लड में वो टॉक्सिन्स लेके आया हुआ CSF पूरा मिल जाता है, और इम्प्योर ब्लड फिर लंग्स में जाके वो फिल्टर ब्लड होता है। फिल्टर ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ तक के पहुँचाता है, फिर CSF टपकना शुरू होता है। ओके, तो फिर अभी दूसरी लेयर हो गई एरोक्नाइड मैटर। अब तीसरी लेयर होती है पाया मैटर। ये पाया मैटर ब्रेन को पूरी चिपकी हुई रहती, ये ब्रेन से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती। ब्रेन के सल्काय एंड गायराय में भी अंदर जाके, जैसा आप कोई टाइल्स घर में टाइल्स के ऊपर कारपेट डालते हो तो कारपेट डालते समय सोल्यूशन से चिपकाते हो, एक कंडीशन ऐसी हो जाती कि वो कारपेट टाइल्स को पूरा चिपक जाता। कारपेट निकालने का सोचेंगे तो कारपेट फटेगा या तो टाइल्स का कलर निकाल देगा। सेम लाइक दैट इज जिसकी जो लेयर मैंने ब्लू कलर से बताई वो होती है पाया मैटर। पाया मैटर ये ब्रेन का ही बाहर का टॉपिक पहचाने जाता है। ये ब्रेन को सल्काय एंड गायराय में जाके भी अटैच होती है। ये एरोक्नाइड मैटर एंड पाया मैटर दोनों को मिलके लेप्टोमेनिंजिस बोलते हैं। दैट इज लेप्टोमेनिंजिस मतलब एरोक्नाइड मैटर एंड पाया मैटर। अब ड्यूरा मैटर, एरोक्नाइड मैटर एंड पाया मैटर, ये तीनों भी लेयर मैंने मेनिंजिस की आपको निकाल के बताई। इसके बाहर अगर आप जाएंगे तो पूरा ब्रेन आपका स्कल के अंदर है। ये फ्रंटल बोन है, ये नोज है, ये माउथ है, ये मैंडिबल है, ये फोरामेन मैग्नम है, और ये आपका वॉल्ट है, ये आपकी हेयर लाइन है। मतलब ये आपका फ्रंटल बोन है, ये आपका नोज है, यहाँ पे आपकी ओरल कैविटी है, यहाँ से आपका मैंडिबल है, मैंडिबल पीछे गया कि स्कल के नॉर्मा बेसालिस में फोरामेन मैग्नम बैठा है, और ये आपका क्रेनियल वॉल्ट है जिसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू की कवरिंग है जिसको आप स्कल बोले थे। अब तुम अच्छी तरीके से गौर करो क्या क्या है। देखो ये ब्लैक कलर से आपका स्कल मतलब वॉल्ट मतलब बोन है, मतलब इसको अपन वॉल्ट नाम देंगे, क्रेनियल वॉल्ट, सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रेनियल वॉल्ट इज कॉल्ड एज स्कल। फिर ये आपकी ड्यूरा मैटर नाम की लेयर है, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर
और स्कल, इसके बीच में एक स्पेस है, इसको बोलते हैं इपीड्यूरल स्पेस। फिर इपीड्यूरल स्पेस के नीचे ड्यूरा मैटर, फिर उसके नीचे सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। फिर सब ड्यूरल स्पेस के नीचे आपको एरोक्नाइड मैटर दिखेगी, एरोक्नाइड मैटर, सब ड्यूरल स्पेस के नीचे एरोक्नाइड मैटर, उसके नीचे सब एरोक्नाइड स्पेस, सब एरोक्नाइड स्पेस। और फिर ब्रेन को पूरा सरफेस को अटैच होने वाली पाया मैटर, इसमें आपको स्पेस अपन स्क्वायर में करेंगे। एक ड्यूरा मैटर के ऊपर इपीड्यूरल स्पेस, ड्यूरा मैटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस, एरोक्नाइड मैटर के नीचे सब एरोक्नाइड स्पेस, पाया मैटर के नीचे डायरेक्ट ब्रेन, उसके नीचे स्पेस ही नहीं है। फिर लैटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विद थर्ड वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और फोरामेन ऑफ मोंद्रो। थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विद फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू आइटर, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अब फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ आने के बाद आगे तो रास्ता बंद है, लेकिन एक बात पहले समझ लो, ये ब्रेन को मैंने लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में काटने के बाद अंदर के वेंट्रिकल्स आपको दिख रहे हैं, मतलब आधा एक ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा, दूसरा काट के रख दिया, एक ही सेरेबेलर हेमिस्फीयर दिख रहा, आधा काट के रख दिया। अब दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर के बीच में से बराबर यहाँ पे आपको फिर एक फोरामेना मिलेगा, वो फोरामेना आपको ये सब एरोक्नाइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट होते हुए दिखता है, मतलब फोर्थ वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विद सब एरोक्नाइड स्पेस, लेकिन दोनों सेरेबेलर हेमिस्फीयर के बीच में से ये फोरामेना को बोलते हैं फोरामेना मैजेंडी। फोरामेना मैजेंडी नाम का एक ऐसा फोरामेना है जो दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर के मिडल में रहता है, इसलिए मिडल का यम ध्यान में रखना और मैजेंडी का यम ध्यान में रखना। ओके, समझा? देखो इसमें बताते हम आपको, यह आपका पूरा ब्रेन है, इसको लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में कट करने के बाद ये निकाला, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम से बह के बराबर दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर के बीच में से ऐसी एक कैनल होगी, और इधर आपका एरोक्नाइड मैटर के नीचे सीएसएफ जा रहा, मतलब सीएसएफ फाइनली सब एरोक्नाइड स्पेस में जा। तो दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर के बीच में जो होता है वो फोरामेना मैजेंडी होता है। इसके बाद अब तुम अच्छी तरीके से एक सेंटेंस सुनो, जहां से बीच में से ब्रेन काटा था वो काटा हुआ ब्रेन फिर से इसको लगा दिए, इमेजिन करो सिर्फ। तो आपकी ड्यूरा मैटर इधर भी रहेगी, एरोक्नाइड मैटर भी इधर रहेगी, चारों तरफ है, पाया मैटर भी चारों तरफ है। तो जो तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो फोर्थ वेंट्रिकल जैसा दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर के बीच में से जाके फोरामेना मैजेंडी नाम के फोरामेना से सब एरोक्नाइड स्पेस में ओपन होता है, वैसा तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल दोनों तरफ जाके भी सब एरोक्नाइड स्पेस आएगा, मतलब दो लैटरल साइड में आपको यहाँ पे फोरामेना दिखेगी, दो लैटर, एक इधर से आएगा और एक उधर से जाएगा, उसको बोलते हैं फोरामेना लश्का, दैट इज फोरामेना लश्का। ये दो होते हैं, दोनों भी फोर्थ वेंट्रिकल के लैटरल साइड से निकलते हैं, इसलिए लैटरल का यल और लश्का का यल ध्यान में रखना है। अगर इसके बाद भी किसी को समझा नहीं तो हम आपको एक डायग्राम निकाल के बताते, वो डायग्राम एक बार अच्छी तरीके से देखना। हम अभी आपको क्या करेंगे, सामने से ब्रेन निकाल के डायग्राम निकाल के बताएंगे। ओके, सामने से निकाली तो भी चलता है, पीछे से निकाली तो भी चलता है। देखो ये आपका कॉर्पस कॉलोसम दिखेगा,
कॉर्पस कॉलम के ऊपर आपको इधर सेरेब्रम का मीडियल सरफेस, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का मीडियल सरफेस, ये दो मीडियल सरफेस दिखेंगे। ये आपका सुपेरोलैटरल सरफेस, सुपेरोलैटरल सरफेस दिखेगा। और ये कॉर्पस कॉलम के नीचे आपको ये फर्स्ट वेंट्रिकल मिलेगा, ये आपको सेकंड वेंट्रिकल मिलेगा। ये ऐसा ब्रेन निकाल के बताया मैंने, ये ऐसा ब्रेन लिया, इसके बीच में से ऐसा कॉर्पस कॉलम जा रहा, तो इसलिए मैंने आड़ी दंडी बता दी सिर्फ ऐसा काट के। तो ये मीडियल सरफेस बताया सेरेब्रम का, ये सुपेरोलैटरल सरफेस बताया, और एक इन्फेरियर सरफेस बताया। ओके, दैट इज, समझा नहीं है तो फिर से पूछो। ये आपको यहाँ पे इन्फेरियर सरफेस मिलेगा सेरेब्रम का, ये वाला। फिर ये आपको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना मिलेगा, इसके नीचे जाएंगे आप तो डायनसेफेलॉन मिलेगा आपको, ये डायनसेफेलॉन है। ये डायनसेफेलॉन के अंदर आपको ये थर्ड वेंट्रिकल मिलेगा, बाद में ये मिड ब्रेन मिलेगा, ये मिड ब्रेन, बाद में ये पॉन्स, और ये मेडुला। ये आपका मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन के अंदर आपको आइटर दिखेंगी, फिर आइटर के बाद में ये पॉन्स है आपका, तो पॉन्स के लोअर हाफ में पोस्टेरियर सरफेस के, और मिडुला के अपर हाफ में आपको यहाँ पे इस तरीके से डिप्रेशन मिलेगा। ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, और इसके नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये सेरेब्रम है। देखो अभी अपन एक बात करेंगे, ये सब साइटॉन का कलेक्शन है, आउटर ग्रे मैटर, ये आउटर ग्रे मैटर, ये ब्रेन का मास है। आपका टॉपिक मास नहीं है, ब्रेन का टिश्यू नहीं है, आपका टॉपिक है ब्रेन के अंदर की पुकलिया, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन। ये साइटॉन का कलेक्शन हम बताएंगे आपको, और इसके बाद इसके आपको एक्सॉन्स बताएंगे ब्लू कलर से। तो इनसे निकले हुए जो एक्सॉन्स है, ये एक्सॉन्स ये पार्ट से जा रहे हैं, ये एक्सॉन्स जा रहे हैं आपके, अब आपको जो पुकली दिखी बीच में की वो आपका टॉपिक है वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन। इसमें आपका सेरेब्रम का कैविटी, ये सेरेब्रम की कैविटी, ये लैटरल वेंट्रिकल है। ये डायनसेफेलॉन की कैविटी, ये थर्ड वेंट्रिकल है। दोनों के बीच में फोरामिना है, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना और फोरामिना ऑफ मोंद्रो है। बाद में ये मिड ब्रेन पॉन्स और अब सॉरी पॉन्स मेडुलर पीछे का सेरेब्रम निकाल लिया, तो ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है। इसको भी अपन वही करेंगे, ये आपको मैं ड्यूरा मैटर बताऊंगा, ये ड्यूरा मैटर, उसके बाद में अंदर से आरोकनेट मैटर, और ब्रेन को चिपकी हुई पायामेटर। तो ये पायामेटर ब्लू कलर से बताएंगे। डायग्राम दोनों भी सेम है, सिर्फ दोनों डायग्राम के व्यू अलग अलग है। ये पायामेटर है, अब इसके ऊपर का ये इपिड्यूरल स्पेस है, फिर ये ड्यूरामेटर है, फिर ये सब ड्यूरल स्पेस है, फिर ये एरोक्नाइन मैटर है, फिर ये सब एरोक्नाइन स्पेस, और ये ब्रेन को चिपका हुआ पायामेटर है। अब ये तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल है, ये दो फोर्थ, ये फोर्थ वेंट्रिकल को दोनों भी साइड से, लैटरल साइड से आपको एक फोरामेना दिखेगा, ये सब एरोक्नाइट स्पेस में ओपन हो रहा, ये इसका नाम है फोरामेना लुश्का। फोरामेना लुश्का लैटरल साइड में जाके सब एरोक्नाइट स्पेस में ओपन होता है, फिर पूरा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जो भी सब एरोक्नाइट स्पेस रहेगा उसमें से सीएसएफ बहेगा, मतलब तुम्हारा सब एरोक्नाइट स्पेस पूरा सीएसएफ से बहेगा। इसलिए ब्रेन को बाहर से कोई भी मार लगा तो सीएसएफ होने की वजह से वो शॉक एब्सॉर्ब करेगा, शॉक एब्सॉर्ब करेगा मतलब सीएसएफ प्रोटेक्शन भी करेगा।
समझा? दैट इज फोर्थ वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विथ सब एरोक्नाइड स्पेस थ्रू टू फोरामेना, फोरामेना मैजेंडी प्रेजेंट बिटवीन टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर एंड फोरामेना लुस्का दैट arises from lateral surface of fourth ventricle, lateral end of fourth ventricle and open in the subarachnoid space. Okay? फिर ये CSF आपका subarachnoid space से ही नीचे नीचे जाएगा और आपका spinal cord कहां पे खलास होता? Lower border of third lumbar vertebra के पास. कहां पे खलास होता? Spinal cord में बताएंगे हम. लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पास स्पाइनल कॉर्ड खलास होता है, फिर थर्ड लंबर वर्टिब्रा के नीचे फोर्थ लंबर वर्टिब्रा है, फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के नीचे फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा है, फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा के बीच में इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है जो कार्टिलेजिनस होती है. तुम्हारा जो सैक्रम का थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा रहता वहां तक के आपके मीनिंग्स जाते हैं. इसलिए ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम है, पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ जाता है तो पेशेंट को ब्रेन के जो सिम्टम्स डॉक्टर लोगों को दिखते हैं कि एक तो वर्टिगो शुरू होता है, सीवियर हेडेक होता है, वॉलप्टियस वोमिटिंग होती है पेशेंट में, कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट के आईबॉल्स भी रोटेट हो जाते हैं, तो डॉक्टर लोगों को समझ में आता कि सीवियर हेडेक है, वॉलप्टियस वोमिटिंग है, इसका मतलब इंट्राक्रेनियल कोई तो भी प्रॉब्लम है. इसलिए डॉक्टर लोगों को CSF निकालने के लिए एक जगह भगवान ने रखी है अपने लिए, वो है फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा के बीच में इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है. पेशेंट को एक हाथ पे सुलाते, उसका पूरा वर्टिब्रल कॉलम पूरा कॉन्वेक्स करते, मतलब उसको सी के जैसा सुलाते, उसका हेडनेक फेस जो है स्कल उसके थाइस को लगाते, पूरा कॉन्वेक्स करते और बराबर फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में से लंबर निडल डालते, तो बराबर पहले हाथ को लगेगा इपिड्यूरल स्पेस, फिर बराबर ड्यूरा मैटर, फिर सब ड्यूरल स्पेस, फिर एरोक्नाइड मैटर, सब एरोक्नाइड स्पेस में निडल गई कि उधर से CSF निडल में आ जाता है, क्योंकि CSF को भी प्रेशर रहता है 60 mm ऑफ वाटर. वो CSF जब निडल में दिखता है, दिखते बराबर इधर से इंजेक्शन लगा के जितना एस्पिरेट करते आता उतना करते हैं और वो निडल निकाल के पेशेंट को सीधा कर देते हैं. सीधा करने के बाद में जो भी पंचर हुआ है वो ओपनिंग बुझ जाती, वो CSF इन्वेस्टिगेशन को भेजते हैं कि भाई ट्यूबरक्यूलोसिस है कि और क्या है, कि प्रेशर क्या है, सब बातें उस पर से दिख. आपने सुना होगा उसके पीठ में से पानी निकाला, तो पीठ में से पानी निकाला मतलब ही CSF उसका ड्रेन किया. समझ में आया? और यस और नो? यस. हाइड्रोसिपेलस जैसी कंडीशन है, ब्रेन का ट्यूबरक्यूलोसिस है या ब्रेन में कुछ इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है, इन्फेक्शन होता है, बराबर है, ब्रेन में ह्यूमोरेज होता है, वो कंडीशन में आपको CSF ज़्यादा. अगर लैटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट होते समय अगर इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेना में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्ट है या ट्यूमर हुआ है तो CSF आगे नहीं आएगा, वहाँ पर CSF सिक्रीशन होकर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाएगा, ये भी एक बात होती है. ओके. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बताते हैं. आप एक हट आँखी के सामने लाओ, समझो ऐसा सोचो कि ये मैंने एक हट निकाली, अब ये हट के ऊपर ऐसे कवेलू बताए, अब ऐसा सोचो कि कवेलू यहाँ पे फूटा हुआ है, यहाँ पे फूटा हुआ है, जब बारिश आएगी तो जहाँ जहाँ पे कवेलू फूटे हैं वहाँ वहाँ पे पानी टपकेगा और पूरी जो हट है अंदर से वो गीली हो जाएंगी. इसलिए वो जो लोग रहते वो लोग क्या करते, बारिश के सीजन में कवेलू को अंदर से एक ताड़पत्री लगा देते, प्लास्टिक की बैग लगा देते, पूरा पानी उसमें जमा हो जाता और वो ताड़पत्री को बीच में पंचर करके उसके नीचे पॉट रख देते, मतलब इधर उधर ना जाए पानी, उसको एक फ्लो मिले, एक जगह पे टपके. वैसा ही तुम्हारे ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब बहता है तो उसको बराबर फ्लो करने के लिए पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है. वो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग को बोलते हैं इपिंडाइमा. वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन इज लाइन बाय थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. वो जो थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं इपिंडाइमा. ओके. कोई डाउट है? यहाँ पे आपका वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन टॉपिक हो गया.